किस टॉप पे सवाल पूछना चाहते हैं सर? हाँ, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ मैडम। मैं NMDC के 200 शेयर मैंने 264 के रेट से लिए हैं, 264 में लिए करीबन हुए तीन हैं। हाँ करीबन हाँ 3 महीने हो गया उसको। ओके। हाँ, तो उसमें क्या रणनीति अपना, किस तरह की होना चाहिए, अपना रखना है कि निकाल दें, क्या है? कितना आपने नजरिया कहा? मैं सुन नहीं पाई। 3 महीने? साल भर 3 महीने हुए हैं मेरे को लिए, साल भर रख सकते हैं अपन इनको। अच्छा, साल भर भी लग सकते हैं। चलिए बताते हैं आपको कि कितनी अवधि के लिए रखना फायदेमंद होगा। हाँ अजीत, आपके पास आना चाहूंगी बिकॉज लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो इस पर बाय कॉल है और इनका नजरिया भी लंबी अवधि का ही है। फिलहाल इनकी बाइंग प्राइस के नीचे 2 to 3 के आसपास के लेवल्स पर NMDC का स्टॉक चल रहा है। फैक्टर्स जो नियर टर्म में प्ले आउट होंगे और जो वॉलिटिलिटी ये देखेंगे, उससे बचने के लिए आप क्या व्यू इनको रिकमेंड करेंगे, और अगर कोई स्टॉप लॉस भी इनको रखना हो तो? बिल्कुल कविता, देखिए मेरी रिकमेंडेशन यही होती है, जब भी ट्रेडिंग के लिए अगर आप कोई पोजीशन ले रहे हैं तो उसको प्लीज स्टॉप लॉसेस जरूर मेंटेन करें। आपने 264 के पास लिया था स्टॉक, अभी करीब 222 आ चुका है। आपका अगर लंबी अवधि का नजरिया था देन डेफिनेटली वो फैक्टर्स अलग हो जाते हैं किस तरीके से फंडामेंटल चीजें पैन आउट हो रही हैं। बट अगर आप ट्रेडिंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करेंगे थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा लॉन्ग टर्म में। बट बावजूद इसके मुझे लगता है कि स्टॉक में अभी थोड़ा सा पॉज जरूर देखने को मिला है, एक रिकवरी देखने को मिली थी मेटल स्टॉक्स में, जिसकी वजह से एक रिबाउंड यहाँ पे भी देखने को मिला, बट अंडर परफॉर्म कर रहा है विद इन दिस सेक्टर ये। और जब तक ये 235 का ये लेवल डिसाइसिवली क्रॉस नहीं करता है तब तक साइडवेज टू नेगेटिव टोन्स में बना रहेगा। ओके। तो नीचे पे मुझे लगता है कि दोबारा से अब इसको 210 के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर वो होता है तो फिर ये प्रेशर और एक्सटेंड होगा, करीब करीब 190 तक के स्टॉक को ये पुश कर सकता है। तो आपको ये चाहिए कि 210 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, और 235 के ऊपर जो आपको 252 से 50 का जोन मिलता है वहां पे अगर आपको एक बार को एग्जिट करने की अपॉर्चुनिटी मिले तो वहां पे एग्जिट करना चाहिए। और राइट, 210 का स्टॉप लॉस आप लगाइए। उसके नीचे अगर स्टॉक जाता है तो यहाँ पर गिरावट थोड़ी गहराने की संभावना है। हमेश दास का मैं सवाल लूंगी, और इन्होंने बस इतना ही पूछा है। यूट्यूब के हमारे ये दर्शक हैं और इन्होंने राजेश ट्रेंड पर सवाल पूछा है। मैं नहीं जानती कि ये खरीदना चाहते हैं या खरीद चुके हैं, क्योंकि ट्रेंड में क्या करना है, यही एक लाइन में इनका सवाल है। तो आप बताइएगा चार्ट्स देखकर कि अगर किसी को प्रवेश करना हो तो फिलहाल कितना इंतज़ार करना चाहिए, और वैल्यूएशंस के लिहाज से कितना आपको लगता है कि मोमेंटम बन रहा है खरीदारी का? नमस्कार। और ट्रेंड का अगर हम चार्ट देखें तो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। कंटिन्यूसली वर्टिकल रैली हमें देखने को मिला है। यहाँ पे फ्रेश बाय की तो सलाह नहीं दूंगा क्योंकि इंडिकेटर्स काफ़ी ओवरबॉट है। अगर इनके ऑलरेडी बाय है तो वो बने रह सकते हैं। इनकेस कोई डिप आता है टुवर्ड 6800 के आसपास, तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज प्लेस्ड है, एंड इस शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को टेस्ट करके हमेशा ये स्टॉक बाउंस करता है। तो अभी फिलहाल के लिए तो फ्रेश बाय तो मैं सलाह नहीं दूंगा, बट अगर कोई डिप आता है 6800 के आसपास तो वहाँ पे बाय बने रह सकते हैं। ऊपर में जो स्टॉक के लिए टारगेट होगा वो होगा अराउंड 7450 से 7600 का। तो स्टॉक डेफिनेटली पॉजिटिव है, डिप में बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेंड पर ये राय, हमने देखा ब्रोकरेज की बुलिश रिपोर्ट भी कल इस पे आई थी और कल एक रैली भी हमने अच्छी देखी थी इसमें। चलिए